गुड मॉर्निंग ना सभी को। तो आज हम लोग एक्चुअली लास्ट नर्सिंग इश्यूज के बारे में एक्चुअली बात करने यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 4 मंथ से हम लोग यहाँ पे लगातार आना जाना कर रहे हैं। तो जितना भी ऑफिसर्स है उन लोगों को मिला है, तो वो लोग मतलब हम लोग का डेट को एक्सटेंड करते गया करते गया। हम लोग लास्ट हम लोग ना इसमें यहाँ पे सेक्रेटरी को मिलने आया था, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को सेक्रेटरी को मिलने आया है। तो वो लोग बोला कि 19 सितंबर को वो लोग इसी के रिगार्डिंग में मीटिंग कंडक्ट करेगा बोला था। उसके बाद 23 को हम लोग को आने के लिए बोला था, फिर वहाँ पे आया है। तो वो जो सर जो इतना हम लोग को अच्छा से रिस्पॉन्स भी नहीं किया है, सर जो ऐसे बोला है कि हम लोग को कि हम लोग का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ना गवर्नमेंट के हाथ में भेज दिया बोला है। तो हम लोग बोले गवर्नमेंट कौन है ना, हम लोग को बताइए ना। गवर्नमेंट आप लोग के हेड ऑफ़ द अथॉरिटी उन लोग के पास है ना, जितना हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट वो लिखी है, और वो लोग को ही मतलब कि रिजल्ट मतलब कि आउटकम्स हम लोग को देना है ना। तो पूछा है तो वो बोला है कि हेल्थ मिनिस्टर का पास से बोल के, तो डॉक्यूमेंट्स हेल्थ मिनिस्टर का पास में है बोला है। तो वहाँ पे गया है, सर को नहीं मिला है। हम लोग 2 बार गया है, सर को नहीं मिला है। तो आज हम लोग पूरा अक्टूबर मंथ हम लोग उन लोग को टाइम दिया है कि ठीक है अक्टूबर मंथ तक मतलब फाइंड आउट करके जितना भी अगर आउटकम्स है निकालने से ठीक है बोल के हम लोग आज 3 नवंबर को आया है। आज भी हेल्थ मिनिस्टर नहीं मिला है। तो सर को हेल्थ मिनिस्टर को हम लोग देखो 4 मंथ से ये इशूज़ चल रहे हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर हम लोग को आज तक क्यों नहीं मिला है ना, वो भी एक सवाल है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम ट्रिम्स में एक इशूज हुआ था, रैगिंग वाला इशूज आज हुआ है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट डे में सर लोग पूरा ब्रीफिंग करना स्टार्ट किया है, और हम लोग का ये इतना बड़ा इशू है रैगिंग से ज़्यादा। तो हम लोग का देखो ये एग्ज़ाम का इतना बड़ा इशू हुआ है, इसमें हम लोग को मतलब कुछ भी कंसर्न भी नहीं है ना। हेल्थ मिनिस्टर है वो, हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट को वो टेक ओवर करता है। हम लोग को देखना है कि क्या इशूज चल रहे, एटलीस्ट कंसर्न करके हम लोग को बुला के बात भी करना है। आज तक 4-5 मंथ्स हो गए लगातार यहाँ पे आ रहे, हेल्थ मिनिस्टर को आज तक सकल फेस टू फेस दिखाई भी नहीं दिया है। तो आज आया है तो आज भी ऐसे बोला है कि 1 महीना से वो जो आउट ऑफ स्टेशन में है। तो हम लोग बोला है कि ठीक है हो जाएगा, हम लोग ग्रुप ऑफ नर्सेस यहाँ पे आके चलो तो स्पेशल सेक्रेटरी को मिलने चलते हैं। तो वहाँ पे गया है सर जो आज एक चीज़ अच्छा बोला है कि हम लोग को एश्योरेंस दिया है कि हम लोग का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट वो लोग APSSB का अंदर में करवाएगा। APSSB वैसे तो कंट्रेक्चुअल बेसिस को नहीं करवाता है, पर वो लोग स्पेशल रिक्वेस्ट करके वो लोग करवाएगा, क्योंकि वो लोग NHM का अंदर में करा के अगर इतना एलिगेशन फेस करना पड़ रहे तो वो लोग कराएगा ही नहीं ना। तो ये अभी मैटर जो है कि अभी APSSB का अंदर में ही वो लोग रिक्वेस्ट करके कराएगा बोला है। तो ये चीज़ को हम लोग भी सोचते हैं कि अगर APSSB कराएगा तो अच्छा ही बात है, पर हम लोग सोचते हैं कि सब लोग इसी चीज़ को लेके मतलब आउटकम्स को रुक रहे हैं ना। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट है यहाँ पे, सब यही इश्यूज़ को लेके रुक रहे हैं कि कब या फिर एग्ज़ाम मतलब कि रिकंडक्ट होगा नहीं होगा, उसको कोई भी पता नहीं है। तो इसलिए आज ये हो रहा है कि सर जो ये एश्योरेंस दिया है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इसको नोटिफाई कर दो ना ऑफिशियली, क्योंकि वर्बली तो कोई भी आजकल बिलीव करता भी नहीं है। तो हम लोग का ये आउटकम्स यही आया है कि SSB के साथ में कोलाबोरेट करेगा बोल के। टाइम पीरियड तो नहीं दिया है वो लोग, पर APSSB को रिक्वेस्ट करेगा ऐसे बोला है बस ना, उसके बाद हम लोग को नोटिफाई कर देगा बोला है सर जो। सर नोटिफाई अगर करने से तो हम लोग के लिए मच बेहतर है ना, ठीक ही होगा। वो लोग का APSSB लोग का शेड्यूल को देख के ना, क्योंकि वो लोग का शेड्यूल अभी बहुत टाइट है उनके बोले, तो वो लोग को रिक्वेस्ट करके मिला के वो लोग रिकंडक्ट करने के लिए बोलेगा बोले। और ये भी एश्योरेंस दिया है कि जो अभी अपॉइंटमेंट को और जो रिजल्ट लोग को होल्ड करके रखा है उसको दोबारा वो लोग अभी मतलब कंटिन्यू भी होने नहीं देगा ना, क्योंकि अभी इतना मंथ हो गया। तो हम लोग भी मतलब थोड़ा चिंता हो रहा था ना कि अभी कंटिन्यू वो लोग इतना समय हो गया, अपॉइंटमेंट दे भी दिया होगा या इन फ्यूचर देगा भी होगा। अभी तक हम लोगों को ऐसा खबर तो नहीं मिला है कि अपॉइंटमेंट मिला है किसी को, लेकिन दे भी सकता है सोच के हम लोग सर को बात किया था। इतना समय हो गया आप लोग कुछ भी अपडेट्स नहीं दे रहे, तो अभी वो इस बात को भी वो मतलब कंफर्म किया है सर जो ना कि इसको जैसा भी हो होल्ड में ही रखेगा जब तक रिकंडक्ट नहीं होगा एग्जाम का ना, उतना ही बोला है आज का ये बात में मीटिंग में।